అఖిల గురు భగవన్ నమస్తే. యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం నామాపితే చ మధురం మధురం స్వరూపం కర్మాపితే చ మధురం మధురస్మృతిశ్చ బుద్ధిం ప్రబోధయ ప్రభో మధుబోధశక్తిం విద్యాం ప్రయచ్చ పరమాం పరిభావయామి. కోమలం కూజయన్ వేణుం శ్యామలోయం కుమారకః వేదవేద్యం పరం బ్రహ్మ భాసతాం హృదయే మమ. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం. నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం శుకముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భువి భావుకాః తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. ధర్మ కీ అధర్మ కా ప్రాణియో మే విశ్వ కా గోమాత కీ గోహత్య భారత. సర్వభూత హృదయ ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామీ కరపాత్రిజీ మహారాజ కీ, శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభు కీ, శ్రీ బలభద్ర మహాప్రభు కీ, భగవతీ సుభద్రా దేవి కీ, హర హర మహాదేవ్. వినాయక పడతా. గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ శ్రీకృష్ణ గోవింద హరి నారాయణ వాసుదేవ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ శంభో శివ శివ
Shiva, 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 Narayana, Narayana, Narayana. समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, भगवत कृपा से पितृपक्ष में श्री गया धाम आने का सुयोग कई वर्षों से सज रहा है। 33 उपनिषद का उद्घोष है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, आचार्य और अतिथि, इनकी देव बुद्धि से सेवा समर्चा करनी चाहिए। महाभारत में 5 गुरुओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान देकर आप सुन रहे हैं, मातृदेवो भव में देव शब्द का प्रयोग किया गया है। तैत्तरीय उपनिषद में पितृदेवो भाव में भी देव शब्द का प्रयोग है। आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव में भी देव शब्द का प्रयोग है। महाभारत के अनुसार देव का अर्थ परमात्मा या आत्मा सिद्ध है। इसका अर्थ क्या होता है? माता, पिता, आचार्य, अतिथि और आत्मा, ये 5 गुरु हैं, इनके प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। अतिथि के स्थान पर अग्नि शब्द का प्रयोग महाभारत में किया गया है, क्योंकि अग्नि के मूर्त रूप अतिथि मान्य है। इन 5 गुरुओं के प्रति हमारे हृदय में आस्था रहे तो हमारा जीवन उन्नत हो सकता है। माता पिता, आचार्य, अतिथि और इन सब के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा, जीवन में इनके प्रति आस्था होनी चाहिए। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर्ग के प्रारंभ में स्वयं को ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वे सृष्टि के निर्माता भी होते हैं और सृष्टि के रूप में स्वयं को ही प्रकट भी करते हैं। वेदांत की रीति से भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत बनाने वाले भी भगवान और जगत बनने वाले भी भगवान। जीव के कर्मों के अनुसार भगवान उन्हें स्थावर जंगम प्राणी शरीर प्रदान करते रहते हैं। जब तक जीव अपने वास्तव स्वरूप जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर को नहीं जान लेता, उन्हें आत्म रूप से नहीं पहचान लेता, तब तक जन्म और मृत्यु की अजस्र परंपरा चलती रहती है। जब जीव जीवन धन जगदीश्वर को प्रत्यगात्मक स्वरूप अंतरात्मा स्वरूप जान लेता है, सदा के लिए भवबंध का उच्छेद हो जाता है।
भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा व्यक्त की गई है। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। आपका मौलिक रूप तो निर्गुण निराकार है, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त, सदघन चिदघन आनंद घन है। उस तक मन का पहुंच पाना, उसमें मन का रमण करना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में वेदांत प्रस्थान के अनुसार आप स्वयं ही इस जगत के रूप में दृष्टिगोचर हैं, तो किन किन विभूतियों का आलंबन लेकर आप कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भयविद भगवत तत्व का हम चिंतन करें? आप चिंतन के विषय हो सकते हैं तो किस प्रकार? इसका अभिप्राय है कि भव का आलंबन लेकर भव सिंधु के तरण का, भगवत प्राप्ति का सुगम उपाय क्या हो सकता है? भगवान ने विस्तार पूर्वक अपनी विभूतियों का वर्णन किया। द्रव्य सार, क्रियासार, वस्तुसार, भावसार, कालसार का नाम सज्जनों विभूति है। विभूति का अर्थ होता है भगवत तत्व की विविध रूपों में अभिव्यक्ति, और विविध विशिष्ट रूपों में, विविध वर्णीय रूपों में भगवान की ही स्फूर्ति हो रही है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी और पृथ्वी में, जल और जल में, तेज और तेज में, वायु और वायु में, आकाश और आकाश में भी भेद है सज्जनों। मगध गयादिक तीरथ जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने बताया, मगध के क्षेत्र में भी गया आदि तीर्थ जो हैं उत्तम मान्य हैं, क्योंकि वस्तु काल और देश इनका उत्कर्ष मान्य होता है। हम एक उदाहरण देते हैं, हरिद्वार में ब्रह्मकुंड है, गंगा जी सदा सर्वत्र दिव्य हैं, निर्मल हैं, ब्रह्मद्रव के रूप में ही उनकी उपासना आराधना की जाती है, लेकिन हरिद्वार के ब्रह्मकुंड क्षेत्र का जब स्पर्श कर लेती हैं तब उनके अनुपम महत्व की अभिव्यक्ति का बहुत उत्तम बानक बन जाता है। इसका मतलब गंगा जल को, गंगा जी को स्थान विशेष विभूति के रूप में प्राप्त होता है, तब गंगा जी का अनुपम महत्व उसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है, या देश या क्षेत्र की महिमा हुई। लेकिन जब महाकुंभ का योग हो जाता है तब गंगा जी की अनुपम महिमा की अभिव्यक्ति और स्फुट रीति से हो जाती है, या काल की महिमा। कोई भी वस्तु देश विशेष काल विशेष के योग से निकृष्ट हो सकती है, उत्कृष्ट हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने इस तथ्य को अद्भुत रीति से ख्यापित करते हुए कहा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग दखई सुलक्षण लोग। अगर मध्य में बृहस्पति जी विराजमान हैं तो अगल बगल रहने वाले क्रूर ग्रह भी सुमंगल हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो एक अद्भुत तथ्य उद्घाषित किया गया है। एक ग्रह का नाम है कृष्ण, कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह ने प्रहलाद को बाह्याभ्यंतर ग्रस लिया, जिसके फलस्वरूप क्रूर ग्रह की भी उन पर दाल न गली। जो भगवान को ग्रह मानकर बाह्याभ्यंतर उन्हें ग्रसने देता है, अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित अपने आप को भगवत चरणों में सर्वतोभावेन निवेदित कर देता है, उसके लिए क्रूर ग्रह भी सुमंगल हो जाते हैं।
हम एक उदाहरण देते हैं, गंगा जी की दिव्यता सर्वत्र तुल्य है, लेकिन जब वह प्रयागराज का स्पर्श करते हैं, स्थान विशेष या देश विशेष के योग से गंगा जी का अनंत महात्म्य विशेष रूप से उद्भासित होता है। फिर यमुना जी का भी महत्व बहुत है, वो यमुना जी गंगा जी में विलीन हो जाती हैं, तो वस्त्वंतर के योग से गंगा जी का अद्भुत महात्म्य और स्फुट रीति से व्यक्त होता है। फिर मौनी अमावस्या, कुंभ का पर्व, बसंत पंचमी, माघ की पूर्णिमा, मकर संक्रांति, ये सब जो दिव्य काल हैं उनका योग हो जाता है, तो गंगा जी का और अद्भुत महत्व स्फुट रीति से व्यक्त होता है। यह गया धाम है, यहाँ पर साक्षात भगवान श्री विष्णु की पादुका का हमको दिव्य चक्षु भावित चर्म चक्षु के द्वारा दर्शन होता है। यह भगवत धाम है। थोड़ा धाम तत्व पर विचार कीजिए, जब हम शयन करते हैं तो बिस्तर हमारा धाम बन जाता है, जब हम बैठते हैं तो आसन हमारा धाम बन जाता है, जब हम कहीं चलने के लिए खड़ाऊँ पहनते हैं और खड़े हो जाते हैं तो पादुका को हम धाम बना लेते हैं, कहीं बिस्तर के रूप में, कहीं आसन के रूप में, कहीं पादुका के रूप में धाम की अभिव्यक्ति होती है। तद्धाम परमं मम, गीता के 15वें अध्याय में कहा गया और श्रीमद्भागवत के 1वें श्लोक में कहा गया, धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा का नाम ही धाम है। व्यवहार में धाम धामी का अभिव्यंजक संस्थान होता है, आसन के तुल्य, बिस्तर के तुल्य, पादुका के तुल्य होता है, लेकिन मौलिक दृष्टि से धाम और धामी में सर्वथा अभेद होता है। इस धाम में जहाँ भगवान की पादुका का दिव्य दर्शन हमको सुलभ है, अपने पूर्वज जिन्होंने देहत्याग कर दिया उनके निमित्त जब श्राद्ध और तर्पण होता है, वह दिव्य होकर कई गुणा अधिक होकर चक्रवृद्धि ब्याज की शैली में हमारे पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध के प्रति, तर्पण के प्रति, पिंडोदक क्रिया के प्रति आस्थान्वित जब हम होते हैं तो उसके पीछे एक दार्शनिक सिद्धांत क्रियान्वित होता है। वह क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती है, यही ना। अगर शरीर को ही कोई आत्मा मानता है या चार्वाक सिद्धांत के अनुसार, लोकायतिकों के मत के अनुसार, कम्युनिज्म में आस्थान्वित महानुभावों के अनुसार चेतना विशिष्ट शरीर को ही कोई आत्मा मानता है, तो श्राद्ध तर्पण आदि में उसकी प्रीति प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? वेदोक्त कर्मकांड हो, उपासना कांड हो या ज्ञान कांड हो, उसमें उसी की प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है जो कम से कम इतना वैदिक प्राथमिक सिद्धांत को स्वीकार करता है, युक्ति के बल पर, अनुभूति के बल पर, या परंपरा प्राप्त आस्था के बल पर, या केवल शास्त्र में श्रद्धा के बल पर कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, वही सज्जनों श्राद्ध तर्पण इत्यादि में अर्थात पिंडोदक क्रिया में आस्थान्वित हो सकता है। हम एक संकेत करते हैं, कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है, कदाचित 80 वर्षों की अवधि में एक एक वर्ष की दृष्टि से उसने 10-10 स्वप्न ही देखा हो, तो भी स्वप्न के 800 शरीर उसके नष्ट हो चुके होते हैं, लेकिन स्वप्न के 800 शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी वो अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 800 हो जाने पर भी स्वयं को 800 न मानकर एक ही मानता है,
केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोर से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती है। हम एक संकेत करते हैं, श्राद्ध का महत्व जानना हो क्षेत्रीय महात्म्य सूचक पुस्तकें यहाँ हिंदी अनुवाद सहित प्राप्त हैं, उनको पढ़िए। विशेषकर मत्स्य पुराण में पिंडोदक क्रिया किस प्रकार से पितरों को प्राप्त होती है, पितर किस प्रकार तृप्त होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। जैसे आजकल एक्सटेंड प्रक्रिया है, जैसे आजकल भारत की मुद्रा को कोई अमेरिका भेजना चाहे तो बैंक की जो प्रथा है उसके अनुसार वह मुद्रा डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर परिवर्तित होकर उसके व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से विधि के बल पर, आस्था के बल पर, संबंध के बल पर और सामग्री के बल पर पिंडोदक की पहुँच दिवंगत पितरों को उनके उचित आहार के रूप में प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में लिखा है, अगर देहत्याग के बाद किसी के पूर्वज व्याघ्र बन गए कर्म विभाग के अनुसार, अब उसने आस्थान्वित होकर अपने पूर्वज पिता पितामह नाना आदि के निमित्त, नानी मामी आदि के निमित्त श्राद्ध किया, तर्पण किया, तो उस सामग्री का मंत्र योग से, विधि के योग से, भावना के योग से क्या होता है, उस व्याघ्र का आहार बनकर उस सामग्री की पितरों को प्राप्ति होती है। अब पितर पितृलोक में नहीं है, वो तो कर्म विपाक के अनुसार व्याघ्र बन चुके, तो व्याघ्र का उचित आहार बनकर वह सामग्री उन्हें सुलभ हो जाती है। यह एक विचित्र तथ्य है। छांदोग्य उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में इस तथ्य को बृहद रूप से उद्घोषित किया। किसी ने अपने जीवन काल में इतना पुण्य अर्जित कर लिया तो उसे दूसरे के द्वारा पिंडोदक क्रिया की प्राप्ति नहीं भी हुई तो भी अपने पुण्य के बल पर ही वह स्वर्ग में अधिक समय तक टिका रह सकता है। लेकिन जिसके पुण्य की पूंजी कम है और यहाँ पिंडोदक क्रिया को संपादित करने वाले स्थानीय उत्तराधिकारी पुत्र पौत्र आदि नहीं हैं, उसकी स्वर्ग से कम समय में ही च्युति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पिंडोदक क्रिया के प्रति आस्थान्वित होकर श्राद्ध तर्पण आदि से विमुख नहीं होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसा भी मान लेते हैं, गया की महिमा में उस वचन का तात्पर्य है, व्यावहारिक दृष्टि से उसका अर्थ समझने योग्य है कि गया में श्राद्ध कर लेने के बाद पुनः श्राद्ध करना उचित नहीं, ऐसा नहीं है। गया में श्राद्ध करने के बाद भी आप पितरों के निमित्त पिंडोदक क्रिया का संपादन करते रहें, शास्त्र का यही अभिप्राय है। या तो गया तीर्थ की महिमा बताई गई कि यहाँ पर अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का अनुष्ठान हो जाता है तो मानो पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। क्षेत्र की महिमा हम स्वीकार करते हैं लेकिन क्षेत्र के नाम पर फिर घर में जाकर पिंडोदक क्रिया का गया श्राद्ध के नाम पर त्याग कर देना शास्त्र सम्मत नहीं है, यह भी समझने की आवश्यकता है। कोई तीर्थ पृथ्वी प्रधान, कोई जल प्रधान, कोई तेजह प्रधान, कोई वायु प्रधान, कोई आकाश प्रधान, बृहद भारत में और अभी जो हमको भारत प्राप्त है उसमें भी तीर्थों में भी अवान्तर भेद है। कोई तीर्थ पृथ्वी की प्रधानता से, प्रायः तीर्थ पृथ्वी और जल दोनों के योग से सिद्ध होते हैं। यहाँ भी फल्गु नदी है, अंतःसल्ला फल्गु नदी अभी महानुभाव ने बताया। तो पृथ्वी और जल
में दिव्यता के योग से यहाँ की महिमा है और भगवान विष्णु के पादारविंद यहाँ चिन्हित हैं, प्रतिष्ठित हैं। इस दृष्टि से स्थान का बहुत महत्व है। कोई कोई तीर्थ तेजः प्रधान, जैसे ज्वालामुखी आदि तेज की प्रधानता है। गुरुवायुर आदि दक्षिण में तीर्थ हैं। कोई तीर्थ वायु प्रधान, चिदम्बरम तो चिदाकाश प्रधान। कोई कोई तीर्थ आकाश प्रधान भी होते हैं। और शब्द ब्रह्म परब्रह्म का भी व्यंजक संस्थान है। श्रीमद् भागवत आदि के श्रवण से भी, मूल पाठ के श्रवण से भी पितरों का परम उद्धार होता है। श्रीमद् भागवत के महत्व के अनुसार धुंधकारी का परम कल्याण श्रीमद् भागवत के श्रवण से हुआ। शब्द जो है सबसे उत्कृष्ट तीर्थ है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म का भी व्यंजक संस्थान होता है। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में शब्द ब्रह्म निर्दिष्ट है, सबसे सन्निकट है। कर्मकांड की बात हम लोगों के जीवन में भी आज कुछ शेष रह गई है। वो बात क्या है? जब मलमूत्र का त्याग करने जाते हैं तो यज्ञोपवीत को यहाँ लगाते हैं या नहीं? कुछ कस के लगाते हैं, वो तो एक्यूप्रेशर की प्रथा हो गई। लेकिन यहाँ क्यों लगाते हैं? यह जो कर्ण है, अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान है। इंद्रियां सगुण निराकार होती हैं, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती हैं। लेकिन हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, यह भी तीर्थ है। पांच कर्मेंद्रियों और पांच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान इसके बाह्य भाग में सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। तो यज्ञोपवीत को यहाँ क्यों लपेटते हैं तीन बार? इसलिए लपेटते हैं कि आकाश अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय की संरचना हुई है। आकाश का गुण है शब्द। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। पैंगलोपनिषद के अनुसार अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय की अभिव्यक्ति हुई है। वह आकाश का कार्य है श्रोत्र इंद्रिय। उसकी अभिव्यक्ति कर्ण संस्कुली से अव्यक्षिन्न नभ के द्वारा होती है। आकाश से संबद्ध श्रोत इंद्रिय का भी व्यंजक या संस्थान है। हमारे शरीर में भी यह कौन सा तीर्थ है? आकाश से संबद्ध तीर्थ है। इस तीर्थ का इतना महत्व है कि छोटा मोटा पाप हो जाए, केवल कान को छू लें तो प्रायश्चित हो जाता है। इसी का दूषित उपयोग आप जैसे वरिष्ठ नहीं कनिष्ठ अध्यापकों ने किया, कान गर्म करो। वो नहीं ये समझ पाए कि कान छूते क्यों हैं। कान आकाशीय तीर्थ है। आकाश, आकाश का कार्य जो अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय, उसका अभिव्यंजक संस्थान है। आकाश से संबद्ध तीर्थ होने के कारण इसका स्पर्श कर लेने पर पापों का क्षय हो जाता है। नहीं तो यज्ञों पर भी दिन में 12 बार बदलने पड़े। यज्ञों पर भी दिन में 12 बार मलमूत्र का त्याग करने पर भी नहीं बदलते, क्यों? आकाश से संलग्न हो गया। सुवर्ण धातु जानते हैं, देवियां आज भी कुछ स्वर्ण आभूषण धारण करती हैं। वो कौन है? सुवर्ण धातु क्या है? न्याय प्रस्थान वेदांत प्रस्थान के अनुसार तैजस है सोना। खंडन खंड खाद्य वेदांत का बहुत ऊंचा ग्रंथ है, उसके अनुसार सोना तेजस है, तेज का परिष्कृत स्वरूप है। और हीरा पार्थिव है, कोयले का कार्बन का परिष्कृत स्वरूप है हीरा। हीरा की कीमत भले ही अधिक हो लेकिन वो पार्थिव है। सुवर्ण क्या है? तेजस है। कानों में मान लीजिए सुवर्ण कुंडल कोई धारण किए हुए है, या लवंग जैसा, लौंग जैसा आभूषण धारण किए हुए है कर्णवेध के बाद, छोटा सा कोई अपराध हो जाता है तो सुवर्ण को छू लेते हैं, उससे भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। भगवान सूर्य का दर्शन कर लेते हैं, वो तेजस तीर्थ हैं।
हिरण्य गर्भात्मक हैं तो भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। हमारे आपके शरीर में भी सब प्रकार के तीर्थ हैं। उदाहरण के लिए मन है, मन भी तीर्थ है। क्यों? मन के द्वारा चंद्रमा की अभिव्यक्ति होती है। चंद्रमा कौन है? मन के देवता। बुद्धि भी तीर्थ है, बहुत सूक्ष्म तीर्थ है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की अभिव्यक्ति होती है। चित्त भी तीर्थ है, उसके द्वारा क्षेत्रज्ञ या वासुदेव की अभिव्यक्ति होती है। अहंकार भी तीर्थ है, क्योंकि उसके द्वारा भगवान रुद्र या शिव की अभिव्यक्ति होती है। हाथ भी तीर्थ है, हाथ के देवता कौन है? वज्रपान इंद्र। ये पांव भी तीर्थ है सज्जनों, सूत संहिता के अनुसार बोल रहा हूँ। इसके देवता कौन है? वामन उपेंद्र। हमारा पूरा शरीर ही तीर्थ है। इस तीर्थ के द्वारा तीर्थ की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल शरीर के द्वारा, जैसा कि मैंने 5-7 मिनट पहले बताया, समग्र सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है। स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रियों को व्यक्त करने के संस्थान है। अभ्यंतर हिस्से में प्राणों को, अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान है। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्थूल शरीर तीर्थ है, उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर रूप तीर्थ की अभिव्यक्ति होती है। फिर तीर्थ के द्वारा महातीर्थ की अभिव्यक्ति। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर भी तीर्थ है, उसके द्वारा जीव तीर्थों को तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाला जीव, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, कारण शरीर के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। जीव भी तीर्थ है, क्योंकि उसके द्वारा सबके तारक, तीर्थ माने तारक, तारक ब्रह्म है यानी राम नाम ओम। श्रीमद् भागवत भी तीर्थ है, क्योंकि तारक ब्रह्म ओम राम नाम की व्याख्या है। तो तारक, सबसे प्रथम तारक कौन है? भगवान। भवसिंह से तारने वाले कौन है? भगवान। यहाँ भगवान की पादुका प्रतिष्ठित है। धाम और धामी में अभेद होता है। भगवान के पाद के चिन्ह प्रतिष्ठित हैं, भगवान की पादुका प्रतिष्ठित है, अर्थात यहाँ साक्षात भगवान प्रतिष्ठित हैं। सबसे उत्तम तीर्थ, तीर्थों के भी तीर्थ कौन है? भगवान, क्योंकि उनके नाम के द्वारा भी व्यक्ति भवसिंह उतर जाता है। नाम लेत भवसिंह सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। नाम, इसका दो प्रकार से अर्थ होता है। नाम लेते 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 भवसिंह तरा जा सकता है। एक अर्थ होता है नाम लेत, नाम लेते ही भवसिंह उतर जाता है। कौन सी प्रक्रिया आपको चाहिए? नाम लेते 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 भवसिंह तरा जा सकता है, और नाम लेते ही भवसिंह तरा जा सकता है, दोनों प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए मरुमरीचिका, मरुस्थल में नदी का जल का अपार जल राशि का विभ्रम हो गया हो, अगर कोई सुना दे यह मरुस्थल है, मरुजल जिसको तुम जल समझते हो, यह जल नहीं है तो मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम सुनते ही बिना यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलंबन लिए अपार जल राशि सूख जाती है या नहीं? अरे भाई तुम लोग अच्छा है, तीर्थ में आए तो हो, नहीं तीर्थ में आए हैं सब, भगवान ही हैं। हमने क्या संकेत किया? अब जिसको जहाँ जाना वो वैसे जाने दो भाई इनको, इनको प्रवचन का महत्व नहीं मालूम है, तीर्थ का महत्व मालूम है। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया सज्जनों की रस्सी है मंद अंधकार में, निपटित खंड में किसी को सर्प बुद्धि हो जाती है, वहाँ रस्सी विद्यमान है या नहीं? जब रस्सी में सर्प बुद्धि होती है, यदि वहाँ रस्सी विद्यमान ही ना हो तो सर्प का विभ्रम कैसे हो? लेकिन रस्सी कौन है? नामी। वह नामी जब सर्प के रूप में परिलक्षित होता है
तो नामी रस्सी की विद्यमानता होने पर भी सर्प के दर्शन से प्राप्त भय कंप इत्यादि का निवारण नहीं हो सकता। लेकिन जानकार व्यक्ति ने कहा, नायम सर्पो रज्जुरियम, अरे क्यों डरता है, यह सर्प नहीं यह तो रस्सी है। रस्सी का नाम सुनते ही क्या होता है, रस्सी का विज्ञान हो जाता है। जब वस्तु का ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है, वस्तु की उपयोगिता प्रकट हो जाती है। इसीलिए वस्तु विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। नामी की अपेक्षा नाम का महत्व व्यवहार में अधिक क्यों है। रज्जु सर्प जब दिखता है, रस्सी रूपी नामी वहाँ पर विद्यमान है, लेकिन नाम का उच्चारण करने पर जब नामी का ज्ञान हो जाता है तब सर्प विभ्रम विलुप्त हो जाता है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया, तीर्थों में भी तारतम्य है। सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, भगवान नाम। लेकिन गया धाम में अगर भगवान नाम लें तो उस नाम का सबसे अधिक महत्व हो जाता है। ग्रहण चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय भगवान नाम लें तो काल की महिमा से भगवान नाम के महत्व की अभिव्यक्ति स्फुट रीति से व्यक्त हो जाती है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए, शांति पर्व अनुशासन पर्व, सर्ग में, सर्ग है ना, इस समय जो सर्ग सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान यज्ञ वराह का अवतार हुआ, या जब जब कल्प में भगवान यज्ञ वराह का अवतार होता है, सबसे पहले पिंडदान की प्रक्रिया कौन चलाते हैं, भगवान यज्ञ वराह। भगवान यज्ञ वराह, यज्ञ तत्व ही वराह के रूप में अभिव्यक्त होता है। कालिका पुराण श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद पढ़िए, भगवान तो भगवान ही हैं, लेकिन लोक संग्रह की भावना से हम बहिर्मुख मनुष्यों को प्रेरणा देने की भावना से भगवान ने मिट्टी के ही लौंदा बनाया, पिंड बनाया तीन, और सबसे प्रथम पिंड को निवेदित किया। पूर्वजों के पूर्वज भी, गुरुओं के गुरु भी भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के ही अवतार यज्ञ वराह, लेकिन सबसे पहले लोकवत्तु लीला कैवल्यम, हम मनुष्य उनकी अनुकृति कर सकें, तीन पिंड का दान दिया। सबसे पहले इस सर्ग में पिंडोदक क्रिया का आविर्भाव करने वाले कौन हैं, भगवान यज्ञ वराह। एक दो तीन, पूर्वजों की दृष्टि से तीन पिंडों का दान दिया, इसलिए भगवान यज्ञ वराह के द्वारा यह क्रम प्रचलित है, प्रचलित है। गाय नामक सब महात्म्य आप लोग जानते हैं, तो हमने समय की सीमा में कहा गया का अद्भुत महत्व है और यहाँ पर आना चाहिए। पितरों के निमित्त पिंडोदक क्रिया का निर्वाह विधिवत करना चाहिए। एक बात और कह दूँ, बुरा न मानो होली है, सांकेतिक शब्दों में बोलूँगा, पूरी गीता पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की एक चिंता और पार्थ अर्जुन की एक चिंता पर ध्यान दीजिए। गीता का पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय पढ़िए। श्री मोहन भागवत जी आरएसएस के सर संचालक गुप्त या प्रकट कहीं सुन रहे हों तो सुने, कहीं ना कहीं तो सुनेंगे ही। अर्जुन को क्या चिंता थी, संप्राप्त युद्ध अगर करने के लिए हम बाध्य ही हो गए, छात्र धर्म की सीमा में प्राप्त युद्ध को टाल न सके, तो सबसे बड़ी विभीषिका की क्या संभावना है। ये जो युवक सम्रांगण में है, ये जब वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे युद्ध में जूझते हुए, कौन ये वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, सुनिए, युवावस्था में जो क्षत्रिय वीर मारे जाएंगे सम्रांगण में, उनकी युवती पत्नियां कदाचित
वैधव्य के अभिशाप को न सह सकी, डमाडोल हो गई, पथभ्रष्ट हो गई। उनके कुलवधुओं के पथभ्रष्ट होने पर मान्य उच्चतम न्यायालय भी सुन ले, मैं सांकेतिक शब्दों में बोल रहा हूँ, समझ गए ना। कुलवधुओं के असमय में विधवा हो जाने पर कदाचित वैधव्य के अभिशाप से त्रस्त वे कुलवधुएं डमांडोल हो गई, इधर उधर कदम उनका उठ गया, तब जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। उस वर्ण संकर संतान की साध तर्पण में प्रीति प्रवृत्ति ही नहीं होगी, कदाचित देखा देखी लोक व्यवहार के संपादन के लिए वो वर्ण संकर संतान तर्पण करेगी भी तो पितरों को प्राप्त नहीं होगी। क्या वो पिंडोदक क्रिया पितरों को प्राप्त नहीं होगी, इसकी चिंता अर्जुन को थी या नहीं? आजकल सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक कहे जाने वाले मूर्धन्य महानुभावों को यह ध्यान नहीं है कि आप विवाह की परंपरा प्राप्त प्रथा को नष्ट करके सबको वर्ण संकर बनाने का प्रकल्प चला रहे हो। आपके नाम पर आपकी माता, आपके नाम पर आपके पिता पितामह सब रोएंगे या नहीं? अभी से रो रहेंगे और हो रहेंगे या नहीं? अर्जुन को चिंता कि वर्ण संकरता के चपेट में पवित्र छात्र वंश न आ जाए। भगवान ने न बोलकर भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। उदाहरण मैं देता हूं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु महाभारत युद्ध के 13वें दिन वीर गति को प्राप्त हुए, विवाह हुए केवल 7 महीने व्यतीत हुए थे, उत्तरा वैधव्य को प्राप्त हो गई, डमाडोल हुई क्या? नहीं ना। तो मैंने क्या संकेत किया सज्जनों? मैंने यह संकेत किया कि अर्जुन दिव्य दूरदर्शी थे, उनके मन में शंका हो गई कि संभावित युद्ध में तो हजारों युवक गाजर मूल की तरह काटे जाएंगे पक्ष के विपक्ष के, अंत में यह पवित्र क्षत्रिय वंश, पूरे विश्व का क्षत्रिय वंश क्या होगा, वर्ण संकरता के गर्त में न डूब जाए, वर्ण संकरता के गर्त में डूब जाएगा, इसकी चिंता अर्जुन को थी। भगवान श्री कृष्ण की चिंता गीता का तीसरा विशेष का चौथा तीसरा अध्याय पढ़िए, यदि यम न वर्तेयम, अगर मैंने लोक संग्रह की दृष्टि से कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया तो कर्म संकरता को जन्म देने वाला बनूं। कर्म संकरता वर्ण संकरता के चपेट से वंश को मुक्त रखना गीता का एक तात्पर्य है या नहीं? वर्ण संकरता कर्म संकरता उसमें भी मैं बोलता हूँ। एक बार तीर्थ राजा प्रयाग में कुंभ के अवसर पर मैं स्नान घर में था, एक विचित्र तथ्य की ओर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, कदाचित अनियंत्रित काम के कारण एक अज्ञान के कारण भावुकता के कारण परिस्थिति के कारण वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो भी जाए, ध्यान गया या नहीं? कभी कभी एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहाँ उत्तर प्रदेश परंपरा के कोई ब्राह्मण परिवार गया, उस क्षेत्र में उस प्रकार के ब्राह्मण होते ही नहीं, अंत में लाचारी से दूसरी जाति से विवाह करने का क्रम वहाँ चल पड़ा परिस्थितिवश। और सबसे बड़ा तो उदाहरण है जब भारत का विभाजन हुआ, गांधी जी जहाँ भी हों ऊपर नीचे मध्य में सुन लें, उनकी अहिंसा के गर्व से घोर हिंसा निकल आई, भारत का विभाजन हुआ, गाजर मूली की तरह व्यक्ति काटे गए, उधर से भक्त के जो इधर आए पूरे देश में छा गए, युवतियाँ भी थीं युवक भी थे सबके सब, तो गृहस्थाश्रम से विरक्त हो ही नहीं सकते थे और वंश परंपरा का ध्यान रख करके विवाह हो ही नहीं सकता था क्योंकि सब बिखर गए,
गांधी जी के माध्यम से अंग्रेजों ने जो कूटनीति को क्रियान्वित की, देश का विभाजन तो हुआ ही, उसका सबसे विषम विभत्स परिणाम यह हुआ कि भारत में वर्ण संकरता छा गई। अब मैं पंजाब की ओर जा रहा हूँ, इधर से दिल्ली होकर। पंजाब में तो 90% विवाह वर्ण गोत्र आदि का ध्यान रखे बिना ही होता है, उनके संस्कार ही प्रालुप्त हो गए। हमने एक संकेत किया, कदाचित वर्ण संकरता आ भी जाए, क्योंकि 3 के योग से 4-5 आदि की अभिव्यक्ति होती है, गुण तो 3 ही है, सब रजस तमस, 3 के योग से वर्ण 4 हो जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कामोद्रेक आदि के कारण, अज्ञान के कारण, भावुकता के कारण, देहात्मवाद के कारण वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। कदाचित कोई वंश वर्ण संकरता को प्राप्त भी हो जाए तो भी उसे कर्म संकर नहीं होना चाहिए। वर्ण संकर की भी जीविका जन्म से आरक्षित है या नहीं, आरक्षण के पक्षधरों कान खोलकर सुन लो, इससे बढ़िया आरक्षण की प्रथा क्या हो सकती है कि सनातन वैदिक धर्म में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, इससे बढ़िया आरक्षण की प्रथा क्या होगी जी? आप क्या आरक्षण दोगे? सरकार के पास कितनी नौकरियां हैं, प्रवंचना के अलावा है क्या? अगर सनातन धर्म के अनुसार आप आरक्षण क्रियान्वित करो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, इसलिए आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता को जन्म दिया ही नहीं जा सकता। कदाचित कोई वंश या कोई व्यक्ति वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने के लिए बाध्य भी हो जाए, वर्ण संकरता को जन्म भी दे दे, तो भी कर्म संकरता नहीं आनी चाहिए, उस वर्ण संकर की भी जीविका जन्म से आरक्षित होनी चाहिए। तो हमने क्या संकेत किया, अर्जुन का ध्यान गया कि ऐसी कोई गतिविधि हमको नहीं अपनानी चाहिए जो सचमुच में वर्ण संकरता में उसका पर्यवसान हो जाए। अब सभ्यता के नाम पर जो वर्ण संकरता को उद्भाषित कर रहे हैं वे दया के पात्र हैं, अज्ञानी हैं, या वोट बैंक के चपेट में आकर के जानते हुए भी देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एक संकेत करके प्रवचन को विराम देता हूँ। इब्राहिम, जिनके विज्ञान प्रयोग के आधार पर नरेंद्र तिवारी जी ध्यान दें, जहाँ कहीं भी हों, एक जज महिला ने कह दिया ना कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, रक्त की परीक्षा देनी पड़ेगी, वो रक्त की परीक्षा जो न्यायालय के माध्यम से होती है वो क्या है, किसकी दी हुई थ्योरी है, इब्राहिम की। इस इब्राहिम ने कहा था अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि जहाँ वर्ण संकरता सैकड़ों वर्ष पहले आ गई, वहाँ तो लाचारी है, सब वर्ण संकर ही हैं, लेकिन जिन देशों में, भारत आदि जिन देशों में अभी विवाह की प्रथा प्राचीन शास्त्र सम्मत विद्यमान है, इब्राहिम ने अनुरोध किया था वहाँ विवाह की प्रथा में विकृति मत आने दीजिए, कम से कम भारत को तो वर्ण संकर होने से जो हो गए हो गए, अतिरिक्त जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था में स्थानित हैं, कम से कम भारत को तो वर्ण संकर होने से बचा लीजिए। इब्राहिम जैसे व्यक्तियों ने तो यह घोषणा की, आधुनिक व्यक्ति वर्ण संकरता को विकास मानते हैं, वर्ण संकरता विकास नहीं विनाश है। अगर कहीं वर्ण संकरता छा गई, कोई परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि रहे ही नहीं, इससे ज्यादा विप्लव आर्थिक विषमता का कोई स्रोत नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ, ये भुजदंड है, भुजदंड है या नहीं, किस विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में, गया विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में इन भुजदंडों को यह प्रशिक्षण दिया गया कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो फूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर दो, कर देते या नहीं, गाढ़ी नींद में बुद्धि सो जाती है, अंतःकरण सो जाता है, अहम सो जाता है, मन सो जाता है, चित्त सो जाता है, उस समय बुद्धिपूर्वक आदेश के दाल ही नहीं गलती, जब बुद्धि ही नहीं है
बुद्धि सो गई है, बुद्धि पूर्वक आदेश कौन दे सकता है? जीव तो विद्यमान है, लेकिन जिसके माध्यम से वह आदेश दे सकता है, हम ही सब प्रसुप्त है, हम ही सो गया, बुद्धि ही सो गई। लेकिन कोई मच्छर आके काटता है, भुजदंड को कौन आज्ञा देता है? परंपरा प्राप्त संस्कार समेत या भुजदंड अपने आप क्यों हो जाता? अगर मच्छर चपेट में आ गया तो उसका कचूमर निकल जाता, भगने में चंपत होने में समर्थ हो गया तो कम से कम खुजलाल लेता है भुजदंड। जगने पर या तो मच्छर का सब हड्डी पसली के सही प्राप्त होता है या नाखून के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इसका मतलब संस्कार है या नहीं? अगर आप जन्म से वर्ण व्यवस्था न मान करके वर्णानुसार प्रशिक्षण क्या प्रकल्प न चला करके कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते हैं, जिसकी लाचारी पश्चिम के देशों में है, तो एक तो समय की हानि, संपत्ति की हानि, तीसरी हानि क्या है? तथापि परंपरा प्राप्त संस्कार नहीं दे सकते। कृत्रिम ढंग से जो ब्राह्मण बनाया जाएगा उसमें परंपरा प्राप्त संस्कार नहीं होगा। आज भी कहते हैं कि हम 7 पीढ़ी से ज्योतिषी हैं, 7 पीढ़ी से वैद्य हैं, 7 पीढ़ी से वकील हैं, तो उसका महत्व होता है या महत्व होता नहीं है? तो हमने क्या संकेत किया? कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनावेंगे, समय की हानि, शक्ति की हानि, संस्कार का दान फिर भी नहीं हो सकेगा, और अंत में पहले दूसरे कॉलम में अधिकांश व्यक्ति सम्मिलित हो जाएंगे, पांचवें कॉलम में सफाई आदि विभाग में बुद्धिपूर्वक कोई सम्मिलित नहीं होना चाहेगा। इसका मतलब कि संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त होते रहें, इसके रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी वैज्ञानिकतम विधा और प्रथा का नाम सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। बुद्धिपूर्वक, अज्ञान पूर्वक, भावुकता पूर्वक, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में आकर जो महान भाव तंत्र या व्यक्ति वर्ण संकरता को जन्म देने का, उद्भाषित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वे भारत के हितैषी भले ही हों, हित जानने वाले नहीं हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने यह संकेत किया। दूसरी ओर मंजिन दलाई लामा जी और हमारा बहुत घनिष्ठ संपर्क है, संबंध है, उन्होंने जो पत्र लिखा था हस्ताक्षर करके, वो हमारे यहाँ सुरक्षित है। हमने जो उत्तर दिया था उनके प्रश्न के सहित, पत्र के सहित, वो भी पुस्तिकाकार छपी हुई है। वो प्रायः 2 साल में एक बार कहा करते हैं, हम बौद्धों का गुरु देश भारत रहा है और रहेगा। हम बहुत विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न करते हैं, उत्तर भी हम स्वयं देते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हम उससे सहमत हैं, लेकिन विचार बिंदु यह है, इस देश को पूरा विश्व मानता था, आज भी गुप्त रीति से मानता है। शासन तंत्र में यह क्षमता नहीं है कि हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, अर्थ शक्ति और सेवा श्रम शक्ति का सदुपयोग भारत के हित में कर सके। कोई भी शासन तंत्र नेहरू जी के समय से लेकर आज तक ऐसा भारत को नहीं मिला जो भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति या वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग सबके हित का ध्यान रखते हुए भारत के हित में कर सके। हमारी मेधा शक्ति भारत की विदेशी कंपनी, भारत में विदेशी कंपनी और बाहर बिकती है या नहीं? हमारी रक्षा शक्ति हमारे काम नहीं आ रही है, हमारी अर्थ शक्ति, वाणिज्य शक्ति भी देश के उत्कर्ष में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो रही है, हमारी श्रम शक्ति का भी अत्यंत दोहन और दुरुपयोग हो रहा है। जिस शासन तंत्र में केंद्रीय या प्रांतीय हो, अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति के सदुपयोग की क्षमता नहीं है, वह पार्टी या राजनेता शासन करने योग्य नहीं है, चाहे किसी भी दल, कोई भी दल हो या किसी दल का राजनेता क्यों न हो। सबसे पहली आवश्यकता है कि सत्ता लोलुपता
अदूरदर्शिता के चपेट से विनिर्मुक्त राजनीति हो, राजनेता हो और अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति के सदुपयोग की जिसमें पूरी क्षमता हो, भावना हो। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, अगर विचार किया जाए तो आरएसएस के कारण, आर्य समाज के कारण और रामतीर्थ लीग के कारण या विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के कारण या जैन के कारण, बौद्ध के कारण, सिखों के कारण, कांग्रेस के कारण, बसपा के कारण, सपा के कारण, बीजू जनता आदि के कारण भारत की पहचान थी पूरे विश्व में। इन सब का जब जन्म भी नहीं हुआ था तब भी तब पूरे विश्व में भारत का नाम था या नहीं? यहाँ के राजाओं ने, चक्रवर्ती नरेंद्रों ने सप्तक द्वीपा मेदिनी पर एक छत्र राज्य किया या नहीं? देवराज इंद्र भी यहाँ के राजाओं से सहयोग लेकर अराजक तत्वों के दमन करने में सफल हुए या नहीं? किसके कारण भारत की प्रसिद्धि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में थी जी? सनातन धर्मी मनुवादियों के कारण, जिनके कारण हमारी प्रसिद्धि थी, पहचान थी, वो है मन। मनु का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है मन। मनु का अर्थ व्यक्ति विशेष तो है, मनु का अर्थ होता है मंत्र। उसकी लक्षणा है मंत्रार्थविद, वेदार्थविद। मनु ने जो कहा है वो वेदार्थ है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सावधान गुप्तरो, अंग्रेजों के शासन काल में जो दिव्यता थी किस कारण थी? मनुस्मृति में शासन करने के जो वचन हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करवा कर अंग्रेज भारत पर शासन करते थे। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में जो दिव्यता थी वो मनुस्मृति के कारण थी, और जो दिव्यता नहीं थी, अदिव्यता थी, वो उनके उन्माद के कारण। अंग्रेजों का उन्माद उन्माद गिना जाना चाहिए, और अंग्रेजों के शासन काल में जो दिव्यता थी वह मनुस्मृति के कारण थी। विक्रमादित्य ने जो दिव्य राज्य दिया, चंद्रगुप्त जी ने जो दिव्य राज्य दिया, या चाणक्य जी ने जो दिव्य राज्य दिया, या नवरत्नों ने जो दिव्य राज्य दिया, या शिवाजी और समर्थ रामदास ने दिव्य राज्य दिया, या शंकराचार्य कुमारी भट्ट और सुधन्मा सम्राट ने दिव्य राज्य दिया, या मैत्रेय वासजी और भीष्म जी ने दिव्य राज्य दिया, या वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, अगस्त जी और राम जी ने दिव्य राज्य दिया, या पृथु जी ने और भृगु जी ने दिव्य राज्य दिया, या नारद जी और प्रहलाद जी ने दिव्य राज्य दिया, किस संविधान के आधार पर? उसी संविधान का नाम मनु विरचित संविधान है। हमारे संविधान के प्रति अनास्था उत्पन्न करके, हमारी पहचान को मिटा करके, पूरे भारत को एक विकास के नाम पर गर्त की ओर पहुंचाने की योजना क्रियान्वित होने योग्य नहीं है। अंत में मैं कहता हूं, भारत का उत्कर्ष आप चाहते हैं तो दो बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। प्रथम बिंदु क्या है? अंग्रेजों की कूटनीति को वरदान न समझकर अभिशाप समझिए। दूसरा बिंदु क्या है जी? पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण छोड़ दीजिए। नासा हमसे लाभ उठा सकता है, हमको आश्चर्य होता है, अभी भी विश्व विख्यात भारत के वैज्ञानिक सिंह अमेरिका से आए थे हमारे पास, कहीं होटल में ठहरे थे, दो दिनों तक विज्ञान पर हमसे लाभ उठाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य गणितज्ञों ने दो बार आकर हमसे लाभ उठाया, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञों ने दो बार आकर हमसे लाभ उठाया। लेकिन हाँ, विश्व बैंक ने अपनी सारी गुत्थी 5 मई 1999 को हमारे पास आकर सुलझा ली। संयुक्त राष्ट्र संघ हमसे लाभ उठा सकता है, क्या भारत हमसे लाभ नहीं उठा सकता या हम जैसे व्यक्तियों से? लेकिन अपनी मेधा शक्ति से भी विद्वेष, इनको शंकराचार्य नहीं चाहिए, अपनी पार्टी का प्रचारक चाहिए। आपकी पार्टी का जो प्रचारक होगा उसकी मेधा शक्ति तो आपसे दुर्बल होगी, समझ गए ना? आपको मार्गदर्शक चाहिए या शंकराचार्य प्रचारक के रूप में चाहिए?
आपका कार्यकर्ता कोई बाबा बन भी जाए तो आपका प्रचारक होगा, आप हाई कमान के सामने तो क्या करेगा, वो महिमा करेगा। इसलिए एक विचित्र बात है श्रोताओं, सुन लो, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी हमारी अनुकृति करके अंग्रेजों ने एलिजाबेथ या एलिजाबेथ को विक्टोरिया से भी अधिक समय तक रानी बना के रखा है या नहीं। राजतंत्र को वंश परंपरा न होने पर भी कृत्रिम वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए, सुनिए, सनातन वंश परंपरा न होने पर भी कृत्रिम वंश परंपरा को स्थिर रखते हुए अंग्रेजों ने एलिजाबेथ को या एलिजाबेथ को विक्टोरिया से भी अधिक समय से रानी बना के रखा है। और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले ही राजतंत्र को विदा कर दिया गया। सिकंदर ने दंडी स्वामी शंकराचार्य से, अभी हमारे पास जर्मन मूल का एक व्यक्ति अंग्रेजी में 30 पृष्ठों में पत्र लिखा है, उसने इस रहस्य को उद्घाटित किया है। एक दंडी स्वामी शंकराचार्य से सिकंदर द ग्रेट सिकंदर मिले थे, वहीं से उनको प्रेरणा हुई कि आदि शंकराचार्य ने 4 धार्मिक राजधानियां बनाई थी, उसमें पुरुषोत्तम क्षतपुरी भी प्रथम राजधानी पूर्व दिशा की ओर से, उसी को ख्यापित करके पोप की गद्दी कालांतर में चलाई गई। दलाई लामा जी की गद्दी 700 वर्षों से है, हमारी गद्दी जो है भगवान शंकराचार्य की दृष्टि से 2502 वर्षों की है, श्रीमन नारायण की परंपरा की दृष्टि से 1,97,29,49,117 वर्षों की। श्रीमन नारायण से हमारी गद्दी की परंपरा इस सर्ग में 1,97,29,49,118 वर्षों की है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जिस दिन गोवर्धन मठ पूरी पीठ को प्रतिष्ठित किया उस दृष्टि से विचार करें तो 2502 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है, लेकिन दलाई लामा जी की परंपरा कुल 700 वर्षों की है। अब मैं 2-3 वाक्य बोल के प्रवचन को विराम देता हूँ। पोप जी जहाँ रहते हैं वेटिकन सिटी में, उसको राजधानी की भी संज्ञा प्राप्त है या नहीं? पोप जी को केवल रिलीजन पंथ या मजहब के गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति सेना अध्यक्ष का भी पद प्राप्त है या नहीं? तिब्बत के संविधान के अनुसार माननीय दलाई लामा जी को बौद्धों के गुरु ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष का पद प्राप्त है या नहीं? इसका अर्थ क्या है? हमारी अनुकृति करके इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी क्रिश्चियन तंत्र बौद्ध तंत्र इत्यादि लाभान्वित हो सकता है, और हम अपने पूर्वजों के मार्ग से च्युत होकर विकास के नाम पर कहाँ जा रहे हैं। अतः इस गया धाम से हम उद्घोषित करते हैं इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी सनातन सकल प्रशस्त मान बिंदुओं को स्थान मिलना चाहिए। शास्त्र सम्मत जो भी हमारी विधाएं हैं आदर करने योग्य हैं, व्यवहार में अवतीर्ण करने योग्य हैं। हर हर महादेव।